अस्सलाम वालेकुम। आज कुकटेन में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। ये बहुत ही टेस्टी डिश है। इसको नान के साथ या घर की गेहूं की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको पालक गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हमने 500 ग्राम गोश्त लिया है बकरे का, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। 500 ग्राम पालक लिया है, इसको हमने थोड़े डंडियों के साथ ही काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको रफली काट लिया है। 3 हरी मिर्ची, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम दही लेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से पालक गोश्त का जायका बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर हम 1 टेबल स्पून ही लेंगे क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। गैस पर हमने कुकर रख दिया है, ऑयल डाल दिया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ ही हम गोश्त भी डाल देंगे, लहसुन अदरक भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम करीब 1 गिलास पानी डाल के चार सीटी आने तक कुक कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, चार सीटी आने तक। चार सीटी लग चुकी है, हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। थोड़ा गोश्त को भून लेंगे। करीब 5 मिनट इसको भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद में हम गैस की आंच को कम कर देंगे और दही ऐड कर देंगे इसमें। साथ में कसूरी मेथी भी डाल देंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और दही का पानी रिलीज होने तक इसको कुक कर देंगे। दही का पानी ख़त्म होने तक हमने गोश्त की भुनाई कर ली है। अब हम इसमें पालक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे, करीब 1 चम्मच हमने पानी डाल दिया है इसमें। और गोश्त को गलने तक, गोश्त गले इसके लिए हम 2 सीटी और लगा देंगे। 2 सीटी लग चुकी है, हम प्रेशर निकाल देते हैं, इसका ढक्कन खोल देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही कसूरी मेथी की। हमारा पालक गोश्त बनके तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और एक सर्विंग प्लेट में पालक गोश्त को सर्व कर लेंगे। ये जी पालक गोश्त बनके तैयार है। अब हम थोड़ी मलाई से इसको गार्निश कर देंगे। अगर पालक गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।